हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान मंजरी ऑनलाइन एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैड कंप्लीटेड अवर यूनिट फ्रॉम हनीड्यू। सो टुडे ऑनवर्ड्स, फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू वन वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू मेंटेन योर फेयरबुक। ओके, सो काइंडली दिस वॉच दिस वीडियो। Now here we have the steps that how to make a fair book, how to make a notebook. So the first step is to divide the notebook into three parts. First part, second part and third part. In the first part, we will do all the work for reading comprehension and vocabulary. Because here name of the book and page number, that is also very important, because from Honeysuckle you are writing or from your supplementary book you are writing. Means Honeysuckle here, that is the name of the textbook. So it is very important to write the name of the book and question number. So here you can see that here from textbook question answers are there, and here supplementary book page number is also written. So from this answer is from supplementary book. So be careful while writing, while reading. So it's all about how to maintain our notebook. Now let's move with next topic. So students, here we have cause and effect. So let's see what is cause and what is effect.
You have studied it before. Cause and effect. Many events happen in our life every day. हर रोज हमारी लाइफ में कुछ न कुछ चीज़ें होती रहती है, कुछ न कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं. सो एनीथिंग दैट हैपन्स स्पेशली समथिंग इम्पॉर्टेंट और अनयूजुअल. ऑन माई बर्थडे वी अडॉप्टेड अ क्यूट पपी. दिस वॉज अ मेमोरेबल इवेंट. इवेंट कैसे किसे कह सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है. एनीथिंग दैट हैपन्स, जो कुछ भी बनता है, स्पेशली समथिंग इम्पॉर्टेंट, या तो बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट बनता है या तो फिर कुछ अनयूजुअल बनता है, तो वो होता है इवेंट्स होती है. देन कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स. समवन ड्रॉप्ड अ बनाना पिल ऑन द रोड. अ मैन स्लिप्ड ऑन द बनाना पिल एंड फेल डाउन. सो हियर यहाँ पे इवेंट कौन सी हुई, विच इवेंट हैपेंड फर्स्ट. पहली इवेंट कौन सी हुई, पहले वो लड़का गिर गया बनाना की पिल पे चलते हुए, या फिर पहले किसी ने बनाना की पिल रख दी थी खाते खाते. यस, योर आंसर इज राइट. दिस इंसिडेंट हैपेंड फर्स्ट एंड दैट हैपेंड सेकेंड, राइट. So someone dropped a banana peel on the road. So the reason why an event happens is called its cause. जो event हुई है उसका जो reason है उसे क्या बोलते हैं, cause बोलते हैं. And the second one, a man slipped on the banana peel and fell down. ये जो result हुआ, जो एक लड़के ने रास्ते पे जो बनाना की पिल रख दी थी खाते खाते, तो वो क्या हुआ, उसकी इफ़ेक्ट क्या हुई, तो कोई और उस पे चला और गिर गया, वो उसकी हुई इफ़ेक्ट. सो द रिज़ल्ट ऑफ एन इवेंट इज़ कॉल्ड इट्स इफ़ेक्ट. कोई भी इवेंट की, इवेंट का रिज़ल्ट क्या होता है, वो जो होता है, अलग अलग इवेंट का अलग अलग रिजल्ट होता है, उसे बोलते हैं हम लोग इफेक्ट. सो समवन ड्रॉप्ड बनाना पिल ऑन द रोड, दैट इज कॉज. एंड अ मैन स्लिप्ड ऑन द बनाना पिल एंड फेल डाउन, दैट इज इफेक्ट. कुछ इंसिडेंट हो जाने के बाद ही उसकी इफेक्ट होती है, दैट इज वेरी कॉमन थिंग, राइट. सो इट्स ऑल अबाउट कॉज एंड इफेक्ट. So in this story, in any story, there are many different events. Each event is either a cause or an effect. Let's learn how to identify this in the story A Visit to Cambridge on page number 96 of Honeydew. So, कोई भी story में बहुत सारे ऐसे अलग अलग events होते हैं, और हर एक event में या तो फिर कुछ cause होता है या फिर कुछ effects होती है, तो हम स्टोरी है विजिट टू कैम्ब्रिज उसमें से देखते हैं. सो वी हैव टू फाइंड द कॉज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट फ्रॉम द टेक्स्ट अ विजिट टू कैम्ब्रिज. हॉकिंग एंड कांगा कुडंट टॉक इन द पार्क. वो हुई इफेक्ट, तो उसका रीजन क्या था वो हमें ढूंढना है, व्हाट वाज द कॉज. सो लेट्स रीड द पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 99 ऑफ हनीड्यू. वेयर द फॉलोइंग इवेंट इज मेंशन, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच रबलिंग अलोंग इन द मोटराइज्ड व्हीलचेयर व्हाइल आई डॉट टू कीप आउट ऑफ द वे. वी कुडंट टॉक वेरी मच बिकॉज दे बोथ वर अ काइंड ऑफ फार फ्रॉम ईच अदर, सो दे वर नॉट एबल टू टॉक टू मच. द सन मेड हिम साइलेंट, the letters on his screen disappearing in the glare. So here we have to think. We couldn't talk very much. The sun made him silent. The letters on his screen disappearing in the glare. So here Hawking used a synthesizer to speak, which required him to look at a screen. So there was a glare of the screen due to the sunlight, so he couldn't see it.
दिस इज द कॉज ऑफ द गिवन इफेक्ट, क्योंकि वो लोग बातें नहीं कर रहे थे, वी कुडंट टॉक, हम लोग बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो सन था, सनलाइट उस पे जो लग रही थी, मतलब कि सन के वजह से नहीं, पर कौन सा रीजन था, वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता था तो उस पे जो वो पड़ता था सनलाइट, तो उससे क्या हुआ था, लेटर्स जो थे वो दिख नहीं रहे थे, इसलिए दे वर नॉट एबल टू टॉक. सो द सनलाइट मेड इट डिफिकल्ट टू रीड द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन. सो दैट इज अवर कॉज. तो उसकी इफेक्ट क्या हुई कि वो दोनों पार्क में कुछ भी बात नहीं कर सके, वो हुआ हमारा इफेक्ट. सो हियर वी हैव द क्वेश्चन. सो लेट्स सी हाउ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द इवेंट. तो ये इवेंट जो है उसके कॉज और इफेक्ट, उसके क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं. व्हाई वाज हॉकिंग साइलेंट एट द पार्क. हॉकिंग जो था वो पार्क में, व्हाई ही वाज साइलेंट. द आंसर वी हैव, हॉकिंग कम्युनिकेटेड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन अटैच्ड टू हिज व्हीलचेयर बाय पंचिंग लेटर्स ऑन इट. व्हेन आउटसाइड द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपीयर इन द सन्स ग्लेयर एंड ही कुडंट रीड एनीथिंग एट ऑल. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ही कुडंट टॉक टू कांगा मच व्हेन दे वर एट द पार्क. सो हियर Why they were not able to talk with each other, because Hawking, who was using wheelchair and who was not able to speak anything, so he communicated with the help of a computer screen. So his computer screen ke madhyam se hi wo kuch agar bolna chahta tha to wo kaise bolta tha. Uske paas jo instrument tha wo tha computer. So wo computer के वो बोलता था जो अपने चेयर के साथ अटैच. पर जब वो लोग बाहर गए तब क्या हुआ, तब सनलाइट वो ऑन द और वो टोटली डिसअपीयर हो गई. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, तो ये सब हुआ, तो उसके रिजल्ट से ही कुडंट टॉक टू कांगा, तो उसकी वजह से ही कांगा के साथ वो बात नहीं कर सकता था जब वो लोग पार्क में थे तब. सो इट्स ऑल अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट. सो नाउ लेट्स मूव विथ SB1. SB1 में हमारा भी एक कॉज एंड इफेक्ट है. सो लेट्स ओपन इट एंड गो विथ इट. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव our supplementary book 1, SB1. SB1 means here we have noted SB1 like a page number. Okay, so concept time 1 is a cause and effect. So open your SB1. Many events happen in our lives every day. The reason why an event happens is called its cause. The result of the event is called its effect. बहुत कुछ ऐसी events होती है day to day life. The reason why an event happens, कुछ भी event क्यों होती है उसका जो reason है उसे cause बोलते हैं, और उसका जो result होता है उसे हम बोलते हैं उसका effect. जैसे ही हमने पहले देखा था cause and effect, someone dropped banana peel on the road, so वो हुआ हमारा cause. तो उसकी इफेक्ट क्या होती है, ऑफ कोर्स एनीवन स्लिप ऑन द बनाना पिल एंड फेल डाउन. वो जो कोई चलता है वो बनाना पिल पे, अगर उसका पैर चला गया तो वो क्या हो सकता है, स्लिप डाउन हो सकता है, फेल डाउन हो सकता है. सो गिवन बिलो इज द एग्जांपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम द स्टोरी अ विजिट टू कैम्ब्रिज ऑन पेज नंबर 96. The sunlight made it difficult to read the letters on his screen. तो वो हुआ कॉज और इफेक्ट क्या हुई. सो दैट्स वाई दे कुडंट टॉक इन द पार्क. तो वो हुआ हमारा कॉज एंड इफेक्ट. ओके, सो अगेन लेट्स मूव विथ नेक्स्ट पॉइंट. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव द प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.3.
Identify and write the cause and effect for the following events from the story. So this question is in your supplementary book 1.3. Hawking said that people should concentrate on what they are good at. Kanga remembered the times he had spent learning how to play the Spanish guitar. So here we have the cause and effect. So in the first one, we have the effects. And so for this particular proper effect, what could be the cause? So it's all about that question 1.3. So here you have answers also. Okay, so kindly write down in your supplementary book question number 1.3. Okay, so the second one, on a walking tour through Cambridge, the guide mentioned Stephen Hawking to Kanga. तो कैम्ब्रिज तक चलते हुए गाइड ने स्टीफन हॉकिंग को कांगा से ऐसी मेंशन किया ऐसा. सो व्हाट वाज द इफेक्ट? कांगा सेट अप अ मीटिंग विद स्टीफन हॉकिंग. तो इसीलिए उसने सोचा कि उसे स्टीफन हॉकिंग को मिलना है. उसने ऐसा सेटअप किया. तो यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट है. हॉकिंग आस्क्ड कांगा टू स्टे एंड हैव सम टी व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव. बिकॉज क्या ऐसा हुआ कि उसने उसे रोकने को बोला? या वी कैन से बिकॉज हॉकिंग वॉज स्माइलिंग एंड ही वॉज एंजॉइंग हिज कंपनी. सो हियर व्हाट इज द कॉज? हॉकिंग प्रोबेबली एंजॉयड कांगाज कंपनी एंड वॉन्टेड टू शो हिम द पार्क. दैट्स वाई. बिकॉज दे बोथ वेर पैरालाइज, दे बोथ वेर इन द व्हीलचेयर. दैट्स वाई. Now let's move with next point. So students, here we have again the answers. Your textbook Honeydew, page number 100 to 101. You have the question answers. I will send the PDF also. Stephen Hawking said, "I have had no choice." Does the writer think there was a choice, and what was it? So the writer thought there was a choice. Hawking could have just left everything and led the latter depressed and miserable life, blaming everything on his condition. But he chose not to. He chose to make the most of what life offered to him. He chose to do something for the world and not waste his life complaining. Because he had not anything in his life. So that's why no need to complain about our life. Whatever we have, we must accept it, and what we want to like to do, we have to go through it. Question answers, here we have 3rd, 4th and 8th and 11th question. And here also we have the practice question 1.1 from supplementary book. So जब आप लोग लिखते हैं तो आपको पहले देखना है कि यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ है वो कौन सा है. अगर यहाँ पे हनीड्यू वाला है तो वो तो आपको कंपलसरी आपकी फेयर बुक में ही लिखना है. ओके, बट अगर यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.1 है तो वो होगा आपकी सप्लीमेंट्री बुक में. तो स्टूडेंट्स, आपको ये अपनी सप्लीमेंट्री बुक जो है SB1 में जो 1.1 क्वेश्चन है वो लिखना है. ये फिलिंग द ब्लैंक्स वहाँ पे है. देन 1.2. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर होमवर्क. हियर वी आर गोइंग टू एंड अप आवर टुडेज लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन. And if you don't understand anything, any portion, then you are free to ask me. Bye everyone, and have a nice day.